नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में दोस्तों, जिनका देखा जाए तो अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों में दोस्तों तेजी नहीं रुक रही, दोनों 52 वीक हाई के चाहे ऑल टाइम हाई के दोस्तों लगाते चले जा रहे हैं। कौन से स्टॉक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IRFC और दूसरा RBNL की। बताना चाहते दोस्तों, ये दोनों स्टॉक में तेजी नहीं रुक रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा, आगे हम बताएंगे कि इन दोनों स्टॉक में हो सकता है कि तेजी बनी रह सकती है। तेजी बनी रहने का मतलब दोस्तों आपसे बता दें, ये स्टॉक जो है कि अगर RBNL की बात करें तो हो सकता है कि 100 के आसपास जा सकता है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो बनाया था, उस समय आपको बताया था कि ये स्टॉक 70 के आसपास जा सकता है। फाइनली आज की बात करें तो आज उस 70 के आसपास ही गया दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर IRFC की बात करें तो ये स्टॉक हो सकता है कि हमने 40 का टारगेट दिया है दोस्तों, हो सकता है कि 50 के आसपास जा सकता है। रही बात देखा जाए तो अभी तक इसने 40 का जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया है। चलिए हम सारा कुछ जो है कि डिटेल्स में बात कर लेते हैं। IRFC के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी आज के दिन लगभग 6% के आसपास तेजी में है। 5 दिन की बात करेंगे दोस्तों, 5 दिन में ये स्टॉक 12.5% का रिटर्न बना के दे दिया है। 1 महीने की बात करेंगे दोस्तों, 1 महीने में 40% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने में 45%। वाई टू डेट की बात करेंगे तो वाई टू डेट में 34%। मतलब दोस्तों आपसे बताएं तो ये कंपनी पहले चल नहीं रही थी, पहले ये स्टॉक मल्टीबैगर नहीं था, लेकिन हाँ फिलहाल की बात करें दोस्तों तो हो सकता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। 1 साल की बात करें दोस्तों, लगभग 30% का रिटर्न बना के दे दिया। मतलब दोस्तों इसमें थोड़ा लर्निंग पॉइंट क्या है दोस्तों, आपने पूरा कितना 11 महीने तक होल्ड किया दोस्तों, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ 1 महीने में देखेंगे दोस्तों तो 1 महीने में कंपनी ने 40% का रिटर्न बना के दे दिया। 5 साल की बात करें दोस्तों तो वही 24% के आसपास रिटर्न है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बीच में ये कंपनी 19 रुपये, मतलब 20 रुपये के नीचे ट्रेड हो रही थी। उसके बाद कंपनी देखा जाए तो कुछ भी नहीं, मतलब दोस्तों एक फ्लैट ही कारोबार कर रही थी। उसी रेंज में 25 रेंज में कंपनी चल रही थी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है। कंपनी ने 52 वीक का हाई भी लगाया है। यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों 4 दिन में ये कंपनी 12% का रिटर्न बना के दे दिया है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में डिविडेंड से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। यहां पे भी देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई। IRFC की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी आज के दिन वही 5.5% 6% के आसपास तेजी में। कंपनी की बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं 24 नवंबर 2022 को ही 31.70 रुपये कंपनी हाई लगाती। लो की बात करें तो 19.30 रुपये का 20 जून 2022 को कंपनी लो लगाती। इस कंपनी की बात करें तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया। कंपनी में दोस्तों आप वैल्यूम देखेंगे तो करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं 21 करोड़ 99 लाख टोटल, मतलब दोस्तों 22 करोड़ के आसपास शेयर ओनली NSE पे टोटल ट्रेड हुए दोस्तों। इसके पहले इस स्टॉक में इतना, मतलब क्या है कि वैल्यूम तो बनते दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से वैल्यूम नहीं बनते। लेकिन हाँ, ऐसे हम देखेंगे दोस्तों तो मात्र 24% माल डिलीवरी में उठाया जाता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखेंगे पुराना, ये कंपनी का 10 नवंबर को रिजल्ट भी देख लिया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी 80 पैसे 90 पैसे के आसपास जो भी है, मतलब दोस्तों 1 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड ही पे कर देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर देखा जाए तो 86% का होल्डिंग है, जो कि देखा जाए तो बाद में OFS भी आएगा दोस्तों। OFS आने का मतलब क्या है, जब स्टॉक का प्राइस टॉप पे रहता है तभी जो है कि OFS भी आता है। तो ऐसे में हो सकता है कि 10% के आसपास 12% के आसपास स्टेक को जो है कि सेल भी करना पड़ता है। RBNL की बात करें तो ये भी स्टॉक देखेंगे तो सेम उसी के साथ साथ दोस्तों आज के दिन तेजी में था। मतलब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये भी कंपनी फुल तेजी में था, 6% 5.5% के आसपास इस स्टॉक में भी तेजी थी। 5 दिन की बात करें दोस्तों, 5 दिन में ये स्टॉक 8% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया। 1 महीने की बात करें दोस्तों, 1 महीने में 70%। अगर 6 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने में लगभग पैसे को डबल कर दिया है। वाई टू डेट की बात करें दोस्तों, वाई टू डेट में भी पैसे को डबल ही है, 90% के आसपास रिटर्न है। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में 84% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की बात करें दोस्तों, 5 साल में कंपनी 250% का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, ये कंपनी 12 अप्रैल 2019 में ये कंपनी आती है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार, मतलब दोस्तों आपसे बताते हैं इस कंपनी में तेजी ही इसी प्रकार की रहती है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल की तेजी देखा जाए तो समय के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने हाई लगाया 70 रुपये के आसपास, जैसा कि हमने बोल दिया आपसे, जो हमारा टारगेट था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 रुपये का टारगेट था जिसको कंपनी ने अचीव किया दोस्तों। 1 महीने में कंपनी लगभग 70% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 1 महीने में कंपनी ने लगभग 82% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इसी स्टॉक में भी देख सकते हैं वही 5.5% के आसपास तेजी में है। कंपनी की बात करें दोस्तों, ये कंपनी 24 नवंबर को ये भी कंपनी आप यहाँ पे देखेंगे तो हाई लगाती है, 69-70 रुपये के आसपास कंपनी का हाई है। लो की बात करें 24 फरवरी 2022 को कंपनी 29 रुपये के आसपास लो लगाती है। इस कंपनी दोस्तों अगर वैल्यूम की बात करें दोस्तों तो इतना, मतलब क्या है, IRFC से ज़्यादा इस समय इस कंपनी के ऊपर, मतलब दोस्तों IRFC के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। इस कंपनी की बात करें
तो कुछ मतलब 8 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड होते हैं। मतलब दोनों कंपनियों की बात करें दोस्तों तो वैल्यूम में इस समय करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे दोस्तों इतना कुछ खास नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि वैल्यूम ज़्यादा है और मतलब ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों ट्रेडिंग ज़्यादा है और इस समय जो है कि डिलीवरी परसेंटेज कम दिखाएगा। ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये भी कंपनी अच्छी तरह से डिविडेंड भी पे करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 रुपये 1 रुपये के आसपास ये कंपनी डिविडेंड पे करती है। फिलहाल की बात करें तो लगभग 24-25 पैसे के आसपास कंपनी ने रिसेंट में डिविडेंड पे किया। स्टॉक में अपने को करना क्या सकते हैं दोस्तों बताना चाहते हैं, जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जो रिटेलर रिसेंट में बाइंग करेंगे तो देखा जाए दोस्तों तो हो सकता है अगर स्टॉक पर गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 50 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये स्टॉक हो सकता है कि 100 रुपये के आसपास ट्रेड हो सकता है। AFC की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में भी देखा जाए तो मैं काफ़ी मतलब क्या है दोस्तों, इस समय के माहौल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लगता है कि ये स्टॉक 50 रुपये के ऊपर ट्रेड हो सकता है दोस्तों। देखा जाए तो 50 रुपये जो मैं टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा क्या है कि मतलब डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो जैसे ये स्टॉक 40 रुपये के आसपास जाएगा दोस्तों तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों कोई 25 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों जल्द ये स्टॉक 40 के ऊपर ट्रेड होगा दोस्तों, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 50 के आसपास भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लेता।